हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? स्वागत है अपने बाइक के चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ, ये देखिए, ये बजाज ऑटो रिक्शा का इंजन है। मैंने पहले खोल चुके हैं, तो ये देखिए, ये गाड़ी का प्रॉब्लम है। ये गाड़ी चलने पर गाड़ी गियर स्लिप हो रहा है, तो गियर लगाने के बाद साउंड आ रहा है। और तीन नंबर लगाने के बाद गाड़ी तो गेट कर रहा है। और एक आवर, दो आवर, चार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए मैंने ये इंजन को खोलना पड़ेगा। तो ये इंजन कैसे खुलते हैं और क्या प्रॉब्लम हो गया है ये इंजन पर, तो मैंने इंजन को खोल रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारे साथ देखते रहिए, बने रहिए। तो अपना गाड़ी का ये प्रॉब्लम हो तो ये गाड़ी का क्या प्रॉब्लम हो जाता है, क्या टूट जाता है, तो देखते हैं। तो और खोलने में खोल लूँगा और आप सबको देखिए तो ये इंजन पर क्या प्रॉब्लम हो गया है। तो हमारे साथ देखते रहिए, बने रहिए, ठीक है। तो इंजन को बार खुल चुके हैं और ये सेल्फ खुल लिया है। तो सेल्फ खुलने के बाद मैंने डेबिट को बार को खुल रहा हूँ। तो ऐसे करके ऐसे एक वन पार्ट करके मैंने सब खोल लेते हैं। तो खुल के आप सबको दिखाऊंगा तो इंजन पे क्या प्रॉब्लम हो गया है, क्या टूटने पर यह प्रॉब्लम हो गया है। तो ठीक है, दोस्तों ये देखिए, ये है क्लास साइड की क्रैंक नट। तो क्लास नट भी और क्रैंक नट भी लॉस कर लूँगा। इसके बाद मैंने ये ब्लॉक उठा के तो खोल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो कैसे ये नट को खोलना पड़ेगा, बहुत जाम है ये नट। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों नट बहुत जाम है।
दोस्तों अभी अभी मैग्नेट कॉइल के मैग्नेट कॉइल को खुल रहा हो, तो देखिए दोस्तों मैग्नेट कॉइल खुलने के बाद मैंने ये मेन चंपर खोल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों अभी मैंने चंपर नट खोल रहा हो, तो देखिए दोस्तों हमारे साथ देखते रहिए, बने रहिए। तो ठीक है, दोस्तों देख लिया होगा मैंने इंजन पूरा खुल चुका है। तो अभी चेक कर रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो ये देखिए दोस्तों मैंने देख रहा है, तो काउंटर पे प्रॉब्लम है। तो इस वक्त मैंने ये क्रैंक खोल रहा हूँ, क्रैंक खोलने के बाद काउंटर को आउट करके देखते हैं। तो क्रैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए काउंटर पे प्रॉब्लम है, काउंटर पिनियन टूट चुका है। तो ये है गाड़ी का प्रॉब्लम, तो देख लिया होगा काउंटर पिनियन टूट चुका है, पूरा दांत टूट चुका है। तो इस वक्त मैंने ये गियर क्रॉस चेक करूँगा और गियर पिनियन भी चेक कर लूँगा। तो चेक करके लगाऊँगा और काउंटर पिनियन टूट चुका है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों ये गाड़ी का प्रॉब्लम देख लिया है, तो काउंटर पिनियन टूट चुका है। तो अपना गाड़ी को ऐसा प्रॉब्लम हो तो काउंटर पिनियन पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और हाँ दूसरे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना। और दूसरे वीडियो पे ये इंजन कैसे बनाते हैं तो दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों।